देखिए, विपक्ष जाए या ना जाए उससे तो मंदिर का भव्यता कम नहीं होगा। विपक्ष जाए या ना जाए, भारत का लोगों का तो उत्साह का कमी नहीं होगा। लेकिन मेरा ये मन में प्रश्न है, जब रामलाला का अनुष्ठान में आपको इनविटेशन मिला है, उसमें भी आप अपना दाम अपना वैल्यू दिखाने का क्या जरूरत है? हम लोग तो इनविटेशन के लिए तरस रहा हूं कि कहीं से एक इनविटेशन आ जाए, हमारा भी जाने का मौका मिले। लेकिन आपको तो विधिवत इनविटेशन आया है, आपको क्या सोचना है? आपको जाना सही है, रामलाला का आशीर्वाद लेना सही है, ये तो कोई पॉलिटिकल फंक्शन तो है नहीं। लेकिन अगर आप रामलाला का साथ भी लेन देन का बात करेगा, कैसे चलेगा? राहुल गांधी को मेरा लगता है कि इनविटेशन भी नहीं मिला है, हमको जैसा इनविटेशन नहीं मिला है, मुझको लगता है राहुल गांधी का भी वहां में इनविटेशन नहीं है। लेकिन 22 जनवरी का पास बाद में हम जैसे जाएगा वो भी जा सकता है, लेकिन वो जाएगा नहीं, ये लोग बाबर से डरता है, तो बाबर का डर में वो लोग राम मंदिर में जाने के लिए तुरंत तो वो लोग नहीं जाएगा, जब हिंदू का दबाव बढ़ेगा तभी जाएगा। जनगणना करिए ना, उसमें क्या माना है? आपका सरकार 7 साल था, आपने जाति आधारित जनगणना नहीं किया, अभी अभी आपने कांग्रेस का पूरा कमिटी का ऐलान किया, उसमें भी आप ओबीसी को जगह नहीं दिया, और जब मंडल कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन का बाद हुआ था आपने ही उनको अपोज किया था। अगर अभी आपका सद्बुद्धि आया है और आप चाहते हैं कि मैं ओबीसी का जनगणना करो, आप करें, उसमें क्या माना है? लेकिन आप समता में कैसे आएगा वो तो पहला बात आप बताओ। पावर में आने वाला है नहीं, कम से कम 100 साल तक तो कांग्रेस पावर में आएगा नहीं। उनका वो मन है, उनका मेरा लगता है वो यूपी में भी चुनाव लड़ता है, बिहार में भी चुनाव लड़ता है, महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ता है, आसाम में भी चुनाव लड़ता है। उनका एक सपना होगा और टीएमसी को शायद ऐसा रूप से देखना चाहते हैं, लेकिन टीएमसी तो बंगाल का बाहर कहीं भी नहीं है, तो बीजेपी से कैसे लड़ेगा? उसका ऊपर तो डेली बात होते हैं, पीएम आवास का ऊपर डेली बात होते हैं, कृषक सम्मान का ऊपर डेली बातें होता है, नियोग मेला हमेशा होता है, जीडीपी का बात होता है, लोगों का नौकरी भी मिल रहा है। अगर लोगों को नौकरी नहीं मिलते थे तो भारत आज विश्व का 5वां अर्थनीति कैसे बन गया? तो सारे कुछ तो देश में है ही रहा है, तो विकास भी हो रहा है, लेकिन विकास का साथ भारत एक सिविलाइजेशनल नेशन है, आस्था भी बहुत जरूरी होता है। तो हमें विकास भी मोदी जी दिया है और आस्था भी मोदी जी ने दिया है। आई मीन वो सरकारी को ही फैसला होगा, उसमें मेरा कोई कमेंट नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।